ट्रेडिशनल है, डिप्टी साहब से तो वहाँ पे हमें डिप्टी साहब ने ये समझाया कि भाई ये धरना देना आप दो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी हमारे अंदर चाहे उस पार्टी का हो चाहे इस पार्टी का हो आके भांगझड़ कर दी तो सारे हम क्रिमिनल हो जाएंगे। सबसे पहले हमें बचना उस चीज़ से, क्योंकि जहाँ पे 5 से 10 आदमी अगर इकट्ठे होते हैं और उसमें बिगाड़ने वाला एक ही बहुत है, पूरे दूध को फाड़ने के लिए काचरे का बीज बहुत होता है। सही बात है। तो इसलिए उस चीज़ को सही सलामत चलाने के लिए जो मैं बताया था, सोसाइटी टाइप की लोग हैं, जहाँ जहाँ बैठते हैं एक तरह से बातचीत करना है अननोन, क्योंकि कोई एक दूसरे को यहाँ नहीं जानता है। हम यहाँ बैठे हैं नेक्स्ट साहब में पीड़ित हैं, यही जानते हैं कि ये पीड़ित हैं, लेकिन इनमें से मेरे जैसा कोई खड़ दिमाग भी होगा कि मेरे को इनका मजा लेना है, मिट्टी फेंक दिया कुछ भी कर दिया वहीं पे बात बिगड़ जाएगी। तो उसके लिए पहले संगठित होना है, एक भी चाहे कोई भी अधिकारी आए चाहे पुलिस आए, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है। परमिशन यही है कि जो इस खेत का ओनर है उसकी सहमति से हम बैठे हैं, यही सबसे बड़ी परमिशन है। ठीक है, ये जब तक हमारे साथ हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे खेत में बैठे मेरे को तकलीफ नहीं है, तो तुम कौन होते हो मेरे खेत में ऑब्जेक्शन करने वाले। और इनकी सेफ्टी के लिए हम सबको ये प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से हाथ पकड़ के रखें, एक दूसरे का हाथ ना छोड़े। अगर हाथ छोड़ दिया तो इनके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि खातेदार ये है, इन्होंने कोई गलती नहीं की हमें यहाँ परमिशन देंगे, इन्होंने कोई गलती नहीं की यहाँ हमें बैठने की आदत, ये मतलब इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी मदद की है इन्होंने। क्योंकि आप यहाँ बैठने से पहले आप सरकारी ज़मीन में बैठोगे तो परमिशन लेने जाना पड़ेगा, ये पर्सनल ज़मीन में बिठा रखें। अगर यहाँ कुछ होता है तो सबसे पहले ये अरेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम इनको सुरक्षित करें, क्योंकि हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर कट बता रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शन है कि SP साहब का भी ये कहना है कि मेरे 4 आदमी 4 SHO तो आपके पीछे लगे हुए हैं, हम काम कहाँ से करेंगे, और मेरे को मेले में जाना है, काटू जैम जी का मेला है, मेरे को वहाँ पे भी फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ से कैसे भी करके हटाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास पहली बात परमिशन नहीं है। परमिशन के लिए हम वहाँ गए, उन्होंने बोला तहसीलदार SDM के पास जाओ। तहसीलदार जी से हम मिले तो उन्होंने बोला कि जो खाता धारक है वो प्रार्थी बन के अप्लीकेशन देगा कि साहब मैं अपनी ज़मीन में इनको बैठाने के लिए सहमति दे रहा हूँ और आपकी इजाज़त चाहिए और इसकी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें जो सोसाइटी के सीनियर जो बुजुर्ग आदमी है वो उनकी बात मान के हम लोग कर्तव्यबद्ध रहेंगे तो ये इनके थ्रू प्रोसेस होगा। वो होने के बाद में किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, कानूनी प्रक्रिया करना जरूरी है। ठीक है, उसमें मतलब उन्होंने डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली ये कहा है कि भाई आप लोग जो धरना दे रहे हो ये गलत है। ठीक है, तुम्हारे साथ क्या हुआ उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसके साथ जो रात को हुआ वो मुझे पता है, उसको हार्ट अटैक आया और उसको इमीडिएट ले गए, तुम सब लोग क्रिमिनल हो जाते। यदि उसके साथ कुछ हो जाता तो, उसके साथ कुछ हो जाता तो आप सारे क्रिमिनल थे। तो इसके लिए हमें इजाज़त लेना बहुत जरूरी है, और इजाज़त का प्रोसेस ये है कि ये एप्लीकेशन पे साइन करेंगे कि भाई मैं खाताधारक हूँ, मेरी ज़मीन पे इतने लोग हैं और शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने इनको भी टॉर्चर करने की काफ़ी कोशिश की है, कन्विंस भी किया है, हरीफ जी नाम इनका है ना, इनको 1 घंटे तक टॉर्चर किया है, टॉर्चर किया तहसीलदार ने। ठीक है, तहसीलदार जी ने भी, पुलिस वालों ने भी। ठीक है, हम गुआड में गांव के चौपाल में जाके बैठते हैं तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है। एक बद होके शांतिपूर्वक बैठोगे, चाहे इसको भजन संध्या में कन्वर्ट कर लो मेरी तरफ से, लेकिन शांतिपूर्वक बैठोगे कि साहब हम तो भजन जागरण का प्रोग्राम कर रहे हैं, रात को वो और दिन में बैठे हैं शांति से। एक भी आदमी ने अगर उपद्रव किया, मान लो मैंने गलती कर दी, मेरी दारू पीने की आदत है और मैंने किसी को गाली दे दी, तो गुस्सा नहीं होना भाई। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, दूसरे का दूंगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, और उसमें जरूरी नहीं है, जो लंका भेजने वाला खुद का ही होता है, तो उनके आदमी में हमारे बीच में है ऐसा तो है नहीं, है नहीं, वो भी उंगली करेंगे। तो फाइंड आउट कर लो, उस आदमी को बाहर कर दो, भागदड़ भांगझड़ नहीं करना। SP साहब का कहना है हम काम कर रहे हैं, तो हमने कहा साहब क्या काम कर रहे हो उसकी हमें सूचना तो चाहिए, इतनी FIR होगी, कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक, हमें तो यही लगेगा ना। तो बोला ये हम आपको बता के नहीं कर सकते, मतलब हर हाल से हमें उनका काम था कन्वेंस करना कि अभी मेले का सीजन चल रहा है और खाटू श्याम जी में भगदड़ ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स को वहाँ जाना है और आप लोगों ने पुलिस फोर्स को यहाँ इंगेज करके रखा हुआ है। मेन पॉइंट उनका यह है कि आप लोग जाओ, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम
एसआईटी गठित होगी, एसआईटी गठित होकर कार्यवाही कर रही है, हमें कहीं कहीं से उनका लोकेशन मिला है। जबकि जब हमने पूछा साहब क्या कार्रवाई है, तो उनके पास कार्रवाई के बताने के लिए यही था कि साहब कार्रवाई आपको नहीं बताएंगे, हो सकता आप में से भी एक हो जो उनको मैसेज दे दे, उनका कहने का ये बात ठीक है। तो हमारे में से है या नहीं आपकी कार्रवाई है उसको शो करो ना। जब मैं बोल रहा हूँ कि साहब उनकी जमीन के कागजात हमारे पास पड़े, हमें प्रोवाइड करो, तो आपने क्या किया फिर? उनके नाम से कितनी जमीन है उसका अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, यहाँ कितनी प्रॉपर्टी है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, यहाँ धरना देना गलत है, उन लोगों ने क्राइम किया उसका कुछ है बोला, उसका तो बाद में आप लोगों का पहले हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब यह है कि शांति अगर जहाँ भंग हो गई वहाँ सबसे पहले इस भाई की तकलीफ आएगी, क्योंकि हम सारे बाहर के हैं इसके आगे से हमारी, और ये जब हमारे साथ इतना प्रतिबद्ध है तो हमें इसके साथ इस पे आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे हमारे सब पे आ जाए, चाहे पूरी लट पड़े, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, यहाँ से हिलना नहीं है, मतलब हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए हमारा, इतने तो मजबूत होके बैठना है तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा। कैमरे अपने ऑन रखो, मोबाइल अपने ऑन रखो, जो करेगा उसका प्रोसेस होगा। कोशिश करेंगे मीडिया कर्मचारी भी यहाँ रात को भी बैठे, ठीक है, ये भी हमारा साथ दे रहे हैं, सुबह से हमारे साथ हैं और रात को हो सकता है चले जाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारे मोबाइल ही हमारी मीडिया है और सारे न्यूज़ चैनल वालों के हमारे पास है वो, और जो चार्जिंग ग्लव होते हैं 300-350 को लाके लगा दो होल्डर में, वो चार्जिंग ग्लव पूरी रात जलता रहेगा, अर्थिंग देना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। वहाँ से कोई खास रिजल्ट मिला नहीं है, तहसीलदार जी ने बोला है आप वहाँ जाओ, यहाँ से प्रोसेस करो, फिर हम सोचेंगे, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर परमिशन देनी है या नहीं देनी है डिस्कशन करेंगे, फिर देंगे। रिजल्ट ये है, तो वहाँ जाने का रिजल्ट अभी तक जीरो है, रिजल्ट ये प्रशासन साथ नहीं है, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। और हमें हमारी लड़ाई आप लोगों को अगर रखनी है रेगुलर, तो पहले प्रतिबद्ध हो जाओ सारे के सारे कि साहब हमारे सीनियर लोग हैं, और जो देखो बाहर से जो आए हैं गांव में रात को नहीं फिरना भाई, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पुलिस प्रशासन को इतना एक्टिवेट कर रहा है कि इनको कैसे भी तोड़ना है, मतलब तोड़ना इस आंदोलन को है, बंदे को नहीं, गलत नहीं लेना आप लोग, ठीक है, आंदोलन को तोड़ना है तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ आपको उठाएंगे भाई रात को, ये शांति भंग की धारा कुछ भी नहीं है, आपको शांति भंग की धारा लगाई और अंदर रख दिया दो दिन के लिए, हम आपको छुड़ाने में परेशान हो जाएंगे। 6 बजे के बाद में यहाँ से छोड़ो, मत टेंट में छोड़ो, 6 बजे के बाद में टेंट में छोड़ो, आप टेंट में रहो, और यहाँ पे जो सीनियर साहब लोग हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हुई है, जो मतलब खाने पीने से रिलेटेड है, हम लोकल आदमी हैं, मैनेज करेंगे, नहीं व्यवस्था हो रही बढ़िया, और खाने में गांव के लोगों ने जितना सपोर्ट किया है, यहाँ गांव के लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं उतना सपोर्ट हमें भी उनका करना है, क्योंकि वो इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और उनका नाम नीचा नहीं होने देंगे। इन लोगों ने नीचा कर दिया, लेकिन बाकी गाँव वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका हमें ध्यान रखना है, और खास तौर से अगर अपने आंदोलन को मजबूत करना है तो आप मेहरबानी करके एक भी आदमी उपद्रव नहीं करना, और हम सबसे पहले सुबह, अभी तो ऑफिस बंद हो जाएंगे, साथ में लेके परमिशन लेने के लिए जो भी सीनियर, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, जैसे मैं यंगस्टर हूँ तो उसको परमिशन के लिए बाधित होता है, जैसे साहब लोग बैठे हैं यहाँ पे, बहुत साहब लोग हैं, रुगाराम जी है, जो अबू 50 ईयर एज हैं उन, वो अगर 10 आदमी जाते हैं उनका इफेक्ट अलग होता है, परमिशन देनी पड़ेगी, प्रोसेस में है कि आप यहाँ की नहीं देंगे तो गुवाड़ की देंगे, चौपाल की देंगे, और उसमें वो अपने नियम कायदे बताएंगे कि भाई ये उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हम उनका पालन करेंगे, हम बैठेंगे शांति से बैठेंगे, ठीक है। अगर इसमें किसी का कोई सजेशन सुझाव है तो बता देना साहब। देखो प्रशासन को भी ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या के अंदर लोग इकट्ठा होने वाले, तो उनको वो और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि ऑल इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, और आप कम से कम 1.5 लाख लोग आएंगे, उनका ये मानना है 10,000 से ज्यादा नफरी हो जाएगी, रन कंट्रोल हो जाएगा, और जहाँ मामला अनकंट्रोल हुआ वहाँ पे कुछ लोग अपना फ्यूचर खराब कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो और ये धरना है बड़े धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसमें कमजोर यही लग रहा है, धीरे धीरे हवा लग चुकी है, अभी खराब हो चुका है, लेकिन और ज्यादा मतलब हम नहीं चाहते कि किसी भी भाई के साथ, बाहर से आए हुए भाई के साथ या यहाँ से किसी के साथ कोई गलत, जो गलत हो गया उसको सुधारने आए और गलत ना हो जाए, ठीक है। इसलिए शांति से शांति बना के हमें ये दिखाना है कि साहब हम शांति से बैठे और हमें न्याय चाहिए, इसलिए बैठे, ठीक है। अभी जो भी आ रहे हैं 1-2 दिन में जो मिल रहे हैं उनसे हमें मिलना है, और जो आएंगे उनसे हमें सजेशन करते हुए कल सुबह पहला काम ये होगा कि हम परमिशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यही ये इतनी बात हुई थी अभी तक जाके आए थे, और अभी सोसाइटी ये ओम प्रकाश जी जो संचालन कर रहे हैं
रुगाराम साहब हैं, ये कुछ लोगों को नॉमिनेट कर देंगे जो कंट्रोल करना है, और आप लोग सारे सहयोग करेंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि ये मेंबर है तो यही करेगा, हम सब अपने आप में सब खुद ही जिम्मेवार हैं, हम सब की जिम्मेदारी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। अगर कोई करेगा तो उसको पकड़ना है, ऐसा हो सकता है कोई कर दे, उसको सिर्फ पकड़ना है। सब मैच्योर्ड हैं, ये तो नहीं सब मैच्योर्ड हैं, बच्चे अपने कुछ नहीं कि हम कर दे वो ले वो लो, अरे बात कोई भी है ना, अभी यहीं रुकना है सभी को, दूसरे वाला टेंट लग जाएगा, रुगाराम साहब और ये जितने भी हैं दुगवाल जी यही है ना, खादिम जी कहाँ है, खादिम जी को भी यही बैठे, हाँ सारे ही अभी देख लो कि